गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम बात करते हैं एक्टिविटी 8.6 की। इससे पहले हमने जो है अलग अलग पांच एक्टिविटी की थी, गतिविधियां की थी, जिनको आपको मैंने घर पे करके देखने के लिए भी कहा था। आज की जो हमारी एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है आपको कि दो समान जो है साइज़ की दो कागज़ की दो खाली थैलियाँ या फिर कागज़ के दो खाली कप लेने हैं और दोनों को धातु या लकड़ी के किसी छड़ के दो किनारों से लटका देना है। जैसे तुला जो होती है जिसे सामान तोलते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह क्या करना है, दो थैली या दो फिर कप लेने हैं और उनको किसी छड़ की सहायता से दोनों किनारों पर लटका देना है। ध्यान रहे कि कागज़ की जो थैलियाँ होती हैं या कप है जो उनका मुख है नीचे की ओर नहीं हो, ताकि उसमें हम पानी डालेंगे तो वो नीचे नहीं गिर जाए। इसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, ये जो एक्टिविटी करेंगे इसमें सावधानी क्या रखनी है, जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़ें तथा यह ध्यान रखें कि उसकी लो कागज़ की थैली से पर्याप्त दूरी पर रहे, यानी इस एक्टिविटी के अंदर जो जलती हुई मोमबत्ती है उसको कागज़ से थोड़ी दूरी बना कर रखेंगे ताकि जो है कागज़ जलने ना। अब करना क्या है, एक छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़ें जैसा कि तराजू में करते हैं। अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए अनुसार जलती मोमबत्ती ले जाएं। थैलियों के संतुलन को भी क्या करना है, थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो थैलियाँ लगा दी यहाँ पे, देखो फर्स्ट में एक हमने ये लकड़ी ली और लकड़ी लेने के बाद ये लकड़ी है, इस लकड़ी से हमने ये दो धागे के द्वारा ये दो थैलियाँ जो हैं वो हमने इसके ऊपर यहाँ पे बांधी। ठीक है, ये जो थैलियाँ हैं इन दोनों थैली को हमने बांधा इस धागे से और उसके बाद इस लकड़ी से ऐसे बांध दिया। अब सेकंड में हम क्या करेंगे कि एक जलती हुई जो मोमबत्ती होती है, एक जलती हुई मोमबत्ती को हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक थैली के नीचे करेंगे। ध्यान रखना कि वो बहुत ज़्यादा पास नहीं हो, वरनी तो ये थैली जलने लग जाएगी। हम जलती हुई थैली क्या कर, जलती हुई मोमबत्ती जो है उसको किसी थैली के नीचे करेंगे इन दोनों में से। पहले जब हम देखते हैं तो जो दोनों थैलियाँ जो होती हैं उनका संतुलन बना रहता है, यानी बैलेंस उनका बना रहता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम एक थैली के नीचे जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो जिस थैली के नीचे हमने जलती हुई मोमबत्ती को नीचे की तरफ रखा है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और इन दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, हमेशा ध्यान रखें कि जो वायु है वो गर्म होने पर हल्की हो जाती है और हल्की चीज़ें हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं। तो जो जिसके नीचे मोमबत्ती रखी हुई है, ये जो थैली है इसके अंदर क्या होगा, वायु जो होगी मोमबत्ती की ज्वाला से ये गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण ये हल्की हो जाती है इसके ऊपर की वायु, और थैली जो होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। और दूसरी तरफ जो है उसके अंदर जो वायु है वो ठंडी है और ठंडी वायु हमेशा क्या होती है, भारी होती है। देखो इस एक्टिविटी के अंदर हमें क्या प्रूव हो रहा है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है कि वायु गर्म होने पर हल्की हो जाती है, वो ऊपर की तरफ उठती है। क्या ये क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर जाती है, जैसे ही मोमबत्ती की लो से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है वह थैली को ऊपर ले जाती है। क्या संतुलन बिगड़ना सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है, बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा ध्यान रखें कि वायु जो होती है वो गर्म होने पर हल्की हो जाती है और हल्की होकर ऊपर की तरफ जाती है। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार भी होता है। जब वायु को हम गर्म करते हैं तो वह फैलती भी है और वह अधिक स्थान घेरती है। जैसे मान लो जो वायु है अगर उसे हम गर्म करेंगे तो वो स्थान भी ज़्यादा घेरेगी वो फैलने के कारण। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीक होती है, इसीलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए कि गर्म वायु जो होती है वो ठंडी वायु से हल्की क्यों होती है। मान लीजिए कि कोई भी सामान है और उसको हमने फैला दिया, ठीक है, मान लीजिए रबड़ी है, रबड़ को पहले जो रबड़ का जो वज़न है, ठीक है, रबड़ है उसको हम काट देंगे बीच से और उसको दो भागों में बांट देंगे तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही वायु जो होती है गर्म करने पर ये फैलती है और फैलने के कारण ये क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। ठीक है, तो वायु जो होगी उसको गर्म करने पर वह गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है और हल्की वायु हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। यही कारण है कि जो धुआं होता है वो ऊपर की तरफ उठता है। प्रकृति के अंदर ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जहां किसी स्थान या क्षेत्र की वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायुदाब कम हो जाता है, जहां की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वायु का दाब कम हो जाएगा और दूसरी जगह क्या होगा, वायुदाब ज़्यादा होगा।
जहाँ वायु दाब कम होता है उस जगह पर दूसरी जगह जहाँ वायु दाब अधिक होता है वहाँ से वायु अधिक वायु दाब वाले स्थान से कम वायु दाब वाले स्थान पर आती है, प्रवाहित होती है, और इसी कारण हवाएं चलती हैं। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है, इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं। और ये चैप्टर 4 जो था इसमें हमने पढ़ा था समुद्र समीर थल समीर, ये हमने पढ़ा था कि दिन के समय जो होता है मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और पानी लेट गर्म होता है। मिट्टी जल्दी गर्म होने से इसके ऊपर की वायु जल्दी गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है और समुद्रों से जो ठंडी हवा है वो स्थल भाग की ओर आती है। ठीक है, तो इस तरह बिल्कुल इसी तरह से जो वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है और आसपास की ठंडी वायु है वो उसका स्थान लेने के लिए अधिक वायु दाब के क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर आती है। तो इस तरह से जो है वायु दाब के अंदर अंतर होता है और जो हवा है वो चलती है। तो अगर आप चाहें तो ये एक्टिविटी घर पर करके देख सकते हैं, लेकिन सावधानी से। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि वायु गर्म होने पर हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है। तो आपको ये जो एक्टिविटी मैंने बताई है 8.6, ये एक्टिविटी आपको करनी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।